हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ई श्रम कार्ड की जो वेबसाइट है काफ़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, काफ़ी मुश्किलों से वो ओपन हो रही है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप आसानी से ई श्रम कार्ड की जो वेबसाइट है उसे आसानी से खोल सकते हैं और आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप था, बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर ई श्रम कार्ड आप आसानी से अप्लाई कर पाए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ सॉल्यूशंस कर रहा हूँ जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा आ रहा है। ई श्रम कार्ड कई लोग बस फिंगरप्रिंट से बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। आप लोग वैसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड आप किसी सब्जी वाले का बना सकते हैं, उसकी वीडियो मैं आपको प्रॉपरली लेके आऊँगा। तो उम्मीद है आप लोग बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ ज़्यादा वक्त खर्च किए बिना। सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पर। गूगल पर आपको टाइप करना है CSC सेवा और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस यहाँ नजर आएगा। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं CSCSeva.com, यहाँ एक वेबसाइट आपको नजर आती है। आपको इस वाली वेबसाइट पे ओपन करना है डायरेक्टली, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप लोग बस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्यारा सा यहाँ नजर आता है आप लोगों को। अगर आपके पास आईडी है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, सीधा ही ऑप्शंस आपको मिल जाता है। साथ ही अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर साइनअप का ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाता है। आप फ्री में यहाँ साइनअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस आपको देना नहीं होता है। तो सिंपल आपको यहाँ साइनअप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपना नाम डिटेल्स वगैरह भर देते हैं। इसके बाद में आपको रिटेलर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर यहाँ चार्जेबल है तो इनको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो हम वापस से आ जाते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट में आने पर यहाँ पर हमें ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास आईडी है, मैंने पहले ही बना ली है आप लोगों को वीडियो बनाने से पहले। तो यहाँ लॉगिन पर मैं ऐसे ही क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड मैंने मेंशन कर रखे हैं, जो कि आपकी आईडी आपके मोबाइल नंबर ही होंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछे जाएंगे, पासवर्ड आपको यहाँ मेंशन करने हैं जो भी आप बनाते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे आसानी से आप फॉरगेट कर सकते हैं। आपको लॉगिन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का प्यारा सा इंटरफेस यहाँ नजर आता है। आपको सबसे पहले, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं इस वेबसाइट को, तो आपको KYC पूरी करनी होती है। KYC आपकी 1 से 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से। KYC का किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपको देना नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही आपको करना क्या है, जब आपकी जो साइट है वो चालू हो जाती है, KYC आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको NPCI बिल एंड सर्विस पे आ जाना है। यहाँ पर आपको नजर आएगा गवर्नमेंट सर्विस, आपको बस यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ नजर आने वाला है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शंस आपको नजर आएगा यहाँ पर, फिंगरप्रिंट, ई श्रम कार्ड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर तरीके से मिल जाता है। फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सर्वर डाउन की भी सिचुएशन में आप इस वेबसाइट के जरिए आसानी से ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा। बस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के साथ साथ आपकी जो भी वेबसाइट है, सर्वर डाउन है, कुछ भी है, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। बस हमें सिंपली वेट करना होता है। तो आपको यहाँ पे रुकना है, किसी प्रकार का रिफ्रेश नहीं करना है, ना बैक करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज को आपको फॉलो करना है सिंपली, तो आपको बस वेट करना है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाइवली यहाँ पर ओपन होने वाला है। तो आप लोगों के वेटिंग के बाद में यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्ड जनरेटेड आपको बताएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ आपको ऑप्शन आएगा, तो सिंपल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ क्लिक करना है। ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने लोगों के आपने रजिस्टर कर दिए हैं, उनका नाम आप यहाँ शो कर सकता है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली प्रोसेस मिल जाती है। अगर आपको न्यू साइनअप करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आप प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। देखिए, आसानी से मैंने यहाँ पर कंप्लीटली वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर ली है। बैक भी आसानी से जा रहा है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का बहुत ही बड़ा सर्वर डाउन भी हो तो भी ये वेबसाइट आसानी से ओपन हो जाएगी। बस और बस आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट या 5 मिनट वहां पर वेट करना है। सिंपल 1 टाइम आपका ये ओपन होना चाहिए, उसके बाद में आप इससे आसानी से ई श्रम कार्ड आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियो बनाने का, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुंच सके।